नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक के कूलर को किस प्रकार से साफ करते हैं। दोस्तों, पिछली गर्मी में कूलर को हमने निकाल कर रख दिया था और अभी गर्मी का समय फिर आ गया है। जैसे हमने कूलर निकाला उसके अंदर बहुत से डस्ट इकट्ठा हो गया है, उसमें स्मेल आ रहा है। तो दोस्तों, आज पूरे डस्ट को हम साफ करेंगे और कूलर को बिल्कुल नया करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्मियों का समय आ गया है, कूलर का यूज करना भी जरूरी है। कूलर इतने दिनों से रखा है, काफ़ी गंदा हो गया है, उसकी साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो इस प्रकार देखिए, ये प्लास्टिक का समर कूल का कूलर है, इसकी आप साफ़ सफाई कैसे करते हैं ये आपको आज मैं बताने वाला हूँ। और इसको साफ करके बिल्कुल हम इसको नया बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार इसमें स्क्रू लगा है, स्क्रू खोल के और इसके जो ढक्कन हैं, तीनों ढक्कन को उसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर नीचे टुल्लू में पाइप का कनेक्शन है, उस कनेक्शन को निकाल लेते हैं। अब इसको यहाँ पर देखिए कितना गंदा हो गया है, इसको साइड में रख देते हैं। इस प्रकार देखिए, तीनों साइड के जो कवर हैं उसको हमने खोल दिया है, कूलर से पाइप को अलग कर दिया है। और इस प्रकार देखिए, पाइप से इसमें देखिए बहुत कचड़ा हो गया है, तो साफ़ सफाई इसकी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा इसमें स्मेल भी आने लगा था। देखिए इसके अंदर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए कितना कचड़ा है इसके अंदर। तो इसको इस प्रकार से पाइप से धुल लेते हैं, उसके बाद कपड़े से सर्फ डाल के इसको हम साफ़ करने वाले हैं, जिससे कि इसमें जो स्मेल आ रहा है वो स्मेल भी नहीं आएगा और ये कूलर भी नया हो जाएगा। तो ये प्लास्टिक का समर कूल का कूलर है। देखिए टिल्लू, इसका जो टिल्लू के अंदर भी देखिए कितना कचरा हो गया है, इसको भी थोड़ा हम साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमको ठंडा हवा देता है, तो जितना ही साफ सुथरा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। देखिए इसे ढक्कन को सर्फ लगा के और इसको हम एक एक करके सभी ढक्कन को अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर जो भी कचड़ा है वो साफ हो जाए। देखिए अंदर टंकी के अंदर भी देखिए कितना कचड़ा है, उसको भी हम साफ कर लेते हैं। देखिए कितना काला काला सा कचड़ा निकल रहा है और इसके ऊपर सर्फ लगा के हम इसको साफ सफाई कर लेते हैं। देखिए अभी सर्फ लगाने के बाद ये इतना अच्छा प्लास्टिक इसकी है कि बहुत अच्छी शाइनिंग इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार हम इसको एक बार पहले कपड़े से पोंछ लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर सर्फ लगाने वाले हैं, साबुन से इसको हम साफ करने वाले हैं, जिससे कि ये बिल्कुल नया जैसा दिखने लगेगा। इस प्रकार अच्छे से इसको हम साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस प्रकार इसको हम चारों तरफ से साफ कर लेते हैं। इसके ढक्कन में भी थोड़ा सर्फ लगा के, साबुन लगा के इसको हम साफ कर लेते हैं। उसको पानी इस पर मारेंगे तो इसके अंदर जो भी कचरा है वो साफ हो जाएगा और पहले जैसी इसमें शाइनिंग आ जाएगी। ये देखिए ऊपर से, देखिए दोबारा अभी मैं इसमें साबुन लगा रहा हूँ, अभी देखिए कितना अच्छा ये शाइनिंग करने लगा है, कितना अच्छा चमक रहा है। तो इस प्रकार इसको जितना साफ करेंगे उतना। और इस प्रकार देखिए, इसके जो ढक्कन है, ढक्कन पे भी हम अच्छी तरह पानी मार लेंगे और बढ़िया से साफ कर लेंगे। इस प्रकार देखिए, इसमें हमने जैसे टिल्लू से इसका कनेक्शन निकाला था, उसी प्रकार इसका कनेक्शन हम वापस जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद ढक्कन को हम उसी प्रकार कस देंगे और स्क्रू से टाइट कर देंगे। देखिए इसको टिल्लू को हम टिल्लू में पाइप को जो इसी तरह जोड़ दे रहे हैं जिस प्रकार हमने निकाला था। उसके बाद ढक्कन, तीनों ढक्कन को उसी प्रकार लगा देते हैं। ढक्कन का लगाने के बाद इसमें जो साइड में दो दो स्क्रू लगा हुआ है, तो स्क्रू लगा के उसको हम टाइट कर देते हैं। तो इस प्रकार देखिए, ये कूलर बिल्कुल दोस्तों साफ़ हो गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको साफ़ किया है और बिल्कुल नया लगने भी लगा है। तो इस प्रकार आप भी अपने घर में जो भी प्लास्टिक के कूलर हैं उसको आसानी से साफ़ कर सकते हैं, जिससे कि वो दोबारा नया जैसा लगने लगेगा। और इस प्रकार स्क्रू को हम टाइट कर दे रहे हैं। दोस्तों, इसकी साफ सफाई बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बाहर से हवा खींचता है, इसलिए इसमें गंदगी हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार देखिए कूलर बिल्कुल नया हो गया है और इसी प्रकार आप भी अपने कूलर को नया कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। दोस्तों, जरूर ट्राई करके जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।